أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما

बिलाशुबा मुनाफिक दोजख के सबसे नीचे के तबका में जाएंगे और तू हरगिज इनका कोई मददगार न पावेगा लेकिन जो लोग तोबा कर लें और कर लें और अल्लाह ताला पर वसूक रखें और अपने दीन को खालस अल्लाह ही के लिए किया करें तो ये लोग मोमिनीन के साथ होंगे और मोमिनीन को अल्लाह ताला अजर अज़ीमता फ़रमाएँगे अल्लाह तुम को सज़ा देकर क्या करेंगे अगर तुम शुक्र गुज़ारी करो और ईमान ले आओ और अल्लाह तो बड़े क़दर करने वाले ख़ूब जानने वाले हैं या यादी आमनू ला तखजुल काफिरीन तो इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को काफ़रों से दोस्तियाँ करने इनसे दिल्ली मोहब्बत रखने उनके साथ हर वक़्त उठने बैठने उनके साथ तल्ल कैम करने इन सब बातों से साफ रोक दिया है ला तसलकाफ़री ने लिया काफरों को दोस्त मत बनाओ मुसलमानों के अलावा तो इस सिलसिले में हज़रत अब्दुल्ल अबिन अब्बास से एक रिवायत है कि आपने फ़रमाया कि क़ुरान में जहाँ कहीं ऐसी इबारतों में सुल्तान का लफ्ज़ आए लिया ये है ना हतरीदू नंताजू ला आ सुल्तान मुबीना कि अल्लाह पर सुल्तान का मतलब हजत है तो वहाँ इससे मुराद हजरत है यानी अगर तुमने मोमिन को कुफा और छोड़ कर कुफार से दिली दोस्ती के तल्ल पैदा किए तो तुम्हारा ये फ़ेल काफ़ी सबूत होगा यानी पूरी हजत और पूरी दलील होगी इस अमर की कि अल्लाह ताली तुम्हें सजा दे ये मुराद है तो यानी अगर तुम बैठे काफरों के साथ तो फिर अल्लाह ताली को पूरी हजत और दलील मिल जाएगी तुम्हारे बारे में कि तुम्हें पकड़े ये बुरात आगे मुनाफिकीन की सज़ा का ज़िक्र है जी और उसको यहाँ ज़िक्र फरमाया गया अगली आयत में मुनाफिक फर कर आसवर मिनन्दा तो बहर इस आयत में मुनाफिकीन की सज़ा और इनका अंजाम बयान फरमाया जा रहा है तो शायद फरमाया बिलाशुबा मुनाफी दोजख के सबसे नीचे के तबका में जाएंगे और अयातब तो हरगज इनका कोई मददगार नहीं पाएगा जो इनको सज़ा से बचा सके कभी नहीं बच सकेंगे। तो ये निचला तबका बयान फरमाया गया तो असल में दो के बहुत से तबक़ात हैं कुरान पाक में जो तबकात ज़िक्र हुए हैं तो वो तकरीबन सात हैं ऊपर नीचे हैं जिनका नाम ये है जहीम जहन्नम सईर सकर, वबा हाविया खोतमा ये सारे नाम कुरान पाक में मौजूद हैं तो पहला तबका यानी जखीम वाला ये गुनाहगार मुसलमानों और उन कुफार के लिए है जो बावजूद शिरक करने के पैग़मरों की हिमायत करते थे इन्हें अपने अकीदे पर तो डटे रहे लेकिन पैग़मरों की फिर भी हिमायत की है उनका साथ दिया है जैसे अब तालब के बारे में आता है वो आप सरसम की जिंदगी भर साथ देते रहे लेकिन कल माना पड़ा आखिर तक इस किस्म के जो होंगे तो मुसलमान गुनाहगार इस किस्म के काफी और दीगर जो तबकात मशरकिन के आतश परस्त और दाहिए यहूद व नसारा और मुनाफिकीन के लिए मुकर हैं बाकी तबकात जितने भी हैं ना वो इस किस्म के मशरक हैं मशर किस्मों किस्म के हैं दिए हैं यहूदी हैं नसारा हैं मुनाफिक हैं आतश परस्त हैं लेकिन मुनाफिकों के लिए आखिरी है निचले से निचला हजरत अबूर रजीलानवायत है कि मुनाफें को आग के संदूकों में बंद करके जहन्नम में डाला जाएगा और ये सबसे नीचे के तबका में होंगे जहाँ के नहायत वसात और किस्मों किस्म के सख्त अजाब हैं अल्लाह ताला पना दे वजह इसकी ये है कि कुफार से बढ़ कर सबसे निचले दर्जा में होंगे ये वजह है कि कुफार तो चूँकि ज़ाहिर व बातिन में खुले हुए मुनकर और मुखालिफ हैं इनसे इतना और इस क़दर इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुँचता जितना मुनाफिकीन जाहिर में मुसलमान बनकर और इस्लाम का दावा करके मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते हैं तो तारीख गवाह है मुसलमानों को जितना नुकसान क्या है मुनाफिकों से पहुँचा है ना इतना नुकसान मुसलमानों को कभी किसी से नहीं पहुँचा जब भी मुसलमानों को कोई शिकस्त हुई है ये इस किस्म की हुई बातें हुई हैं तो उनके अंदर मुनाफिक घुस आए और असल दिलों से वो काफरों के साथ मिले हुए थे और ऊपर ऊपर से मुसलमान बने हुए थे मुसलमानों ने नेतमाद किया तो उन्होंने फिर इनकी क्या है मुसीबत का और तकलीफ़ का सबब बन गए और कई मौक़ों में मुसलमान फातह होने की बजाय मफतू हो गए अल्बत्ता आगे फरमाए तबोल वबिल्ला यहाँ से गोया मुनाफ़ी को तबालाह की दावत दी जा रही और उनको तरगीब है कि अगर वो तोबा कर लें तो इस पर माफी का वादा भी फरमाया जा रहा है लेकिन चार शर्तों के साथ है शर्त अव्वल ताबू यानी के दिल से नफाक़ और रिया वगैरह से तोबा कर लें दूसरा यानी जो कुछ इनके इल्म इनकेमल में फसाद है इसकी असलाह कर लें जो गड़बड़ कर रखी ना पहले वो ठीक कर लें तीसरी बात यह व तस्म बिल्ला अल्लाह ताली को मज़बूत पकड़ लें यानी इसके दुश्मनों और दीन के मुखालफों को छोड़कर इसी की ज़ात पर भरोसा और अतमाद कर लें ये माना है वाह वा। वा वाह आगे व वा अखलसु दीन अमलिल्ला चौथी बात यानी अपने दीन को खालस अल्लाह ही के लिए करें यानी खलूस दिल और सिदक नीयत से जो कहे दीन को कबूल करें और अपने दिल में सिदक नीयत को पूरा पैदा करें क्योंकि इन तमाम चीज़ों का मदार इसी पर है और अल्लाह ताला के हाँ वही अमल मकबूल है जो रिया नुमाइश वगैरह से पाक महज हो इसी की ज़ात के लिए हो और उसी की खुशनुदी के लिए हो तो बहार पीछे भी मुनाफिकीन के अवाफ़ बुरे बयान किए गए तो इनके मुकाबला में ये चार अवाफ़ हमीदा भी बयान किए गए तो पहले मुनाफीन के बुरे अवाफ़ थे चार जो कल पिछले दर्स में आए थे अब ये अच्छे उसाफ़ हैं कि अगर ये अच्छे उसाफ़ अपना लें तो वो खालस मोमिन बन जाएंगे और वो दीनों दुनिया में ईमान वालों के साथ होगा फौलाए के मल ममिन और ईमान वालों को जो अजर अजीम आख़रत में मिलने वाला है इनके साथ इनको भी मिलेगा जिन्होंने नफाक छोड़ उ सच्ची तोबा कर ली हो उसके बाद अल्लाह ताली फमातमायफ़ अल्लाहब आज़ाब तुमिन शकर वा तुम वामन तुम के बंदों को जो अदाब होने वाला है वो असल में उसके बुरे आमाल और बुरे और बातिलकायद की वजह से होगा वरना अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को इसलिए नहीं पैदा किया कि वो इनको खा मखा अजाब दें क्योंकि अल्लाह ताला तो नेक कामों के बड़े कदरदान हैं शरन अली ये मुराद बड़े क़दरदान हैं तो जो शख्स इसके हुक्म को ममनूनीत और शक्र के साथ तस्लीम करता है और इस पर यकीन भी रखता है तो अल्लाह ताली इतात इखलास के बड़े कदरदान हैं और इस पर तो रहमत ही रहमत है जी ऐसे शख़्स को अजाब से क्या वास्ता अजाब तो वो सरकश और नाफरमानों को देता है इसलिए दावत दी कि अल्लाह ताला तुम्हारे अजाब तुम्हें अदाब देकर क्या करेंगे अगर तुम शुक्र करो ईमान ले आओ और अल्लाह ताला बड़े कदरदान भी हैं जानने वाले भी हैं तो ये आयात चंद हुई तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने व करम से हमें भी मोमिन सदक की जमात में शामिल फ़रमाए और ईमान और अखलास की दौलत से हमें भी सरफराज फरमाए आमीन व आखरदावाना अनहमदल रबालमी